नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा में। भाई वो मामला कवर कराया है काफी, और फरमाना वाला। तो मेरे पास एक कॉल आई थी 2-3 दिन पहले, तो एक महिला थी कि भाई सच्चाई और कुछ है क्या नहीं है। तो भाई ये बात कही थी ना कि भाई जो है ज्योति के परिवार वालों से क्यों नहीं बात करते आप, भाई ज्योति के परिवार वाले से बात क्यों नहीं करते। तो भाई मैं एक बात बताना चाहूँ, भाई ज्योति के परिवार से बात तो कर लें। तो उनका उन सामने उस दिन बात भी करी थी भाई, उन्होंने कह रहे थे कि भाई हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते जी, खरखोदा थाने में थे तो वो ना अटके थे भाई। चलो छोड़ो वो बात भाई, हम बात मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो जितने भी सारे दर्शक देख रहे हैं मेरे भाई, जितने भी देख रहे हैं, मतलब जितना भी हो सका यार कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखो आज समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिस्टम गलत हो रहा है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि पहली तो बात यह है कि जो हमारा परिवार ही नहीं कंट्रोल में है तो हमारा फायदा क्या है जी। कहीं ना कहीं परिवार में जो भी है लोग वे टूटते हैं, वो कहीं ना कहीं क्यों टूटते हैं आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है भाई, रोड़े किसके घर में हुआ है, या तो भाई टूटे में रोड़ा आया करा, या फिर उस घर में मैन नहीं होया करती जी, रोड़े आया करा जी, छोड़ छोड़ का बैठ जाया करा, रूस का बैठ जाया करा। चलो कोई बात नहीं, हुआ भी रूस सीरस आई तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई बच्चों को छोड़ करके कोई माँ चली जावे, ये एक एक मामला नहीं है, ये फरमाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक और मामला आया है, और एक कई मामले आए हैं जो छोड़ के चली जाए, आशिक के साथ बैठ जाए, अपने लव प्यार का चक्कर चल रहा है आज के टाइम में। भाई प्यार ऐसी चीज है जो अपने नहीं खुद मरवैद है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है, देखो आज के टाइम में तक भाई मैं तो खुल के बताऊंगा सच्चाई, जो मेरे निजी विचार है, हमारा गांव राम है। अभी इलेक्शनों का टाइम था नहीं टाइम था, तो उसमें भाई सारे भाग्य फिरे, सरपंच, जिला परिषद, सारा कुछ। देखो पंचायत का काम क्यों, पंचायत का काम तो पहला हुआ ना भाई, जो घर में गांव राम में रोड़े हो जाए उन्हें निमटाना, कोई सामाजिक रोड़ा हो जाए उन्हें निमटाना, तहसील कोर्ट थाने तो बाद में पहुंचाया जी, लिमिट तक बैर केस हो जाए। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है, एक मिनट चाय पी लो, मेरी वाली मेरी ले आया 2 गिलास में। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि वो मामला चाहे बाद में पीऊंगे। तो भाई गांव वाले क्यों नहीं सुलझा सकते, गांव राम कट्ठा होगा उस मामले ने क्यों नहीं ठीक कर सकता, तो बात यह है। फिर उस पंचायत का फायदा क्या, देखो चल मान लेते हैं हमें कि भाई कोई से एक परिवार की गलती है, तो दूसरा तो गांव वाले आके बोल सके, हम यह भी बात नहीं कहते चलो अगर बच्चे नहीं होते उनके तो कुछ कारण का मतलब इतना हो जाता, लेकिन हुआ तो है। तो ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने माँ की माँ के आंचल की जरूरत है, जो माँ के आंचल में रहना चाहते हैं, जो एक माँ हुआ जो प्रथम गुरु हुआ है वो उसको संस्कार देवा है, वो उनको मिलेंगे नहीं तो वो देखेंगे कि मेरे पिताजी अलग है, मेरी माँ अलग है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा, रहने वाले समाज में हमारे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। सबसे बड़ी तो बात यह है, उनकी परवरिश पर फर्क पड़ेगा, उन पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ना जिन्होंने ये कर्म कर दिए है, लेकिन जो बच्चे पैदा करे हैं उनको अच्छे संस्कार मिले, हमारे देश के लिए काम करें, हमारे समाज के लिए काम करें, तो जब वे ही जो है गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, उनको चीजें मिलेंगी नहीं तो कहाँ होगा। दूसरी बात भाई ये है कि भाई गाँव वाले क्यों नहीं करवा रहे इस मामले ने, पुलिस पर तो देखो पुलिस पर तो कोई भाई, पुलिस तो कानून है, कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ठीक है, तो काम राम ने मिलकर करनी चाहिए, रिश्तेदार है, रिश्तेदार उनके भी होंगे, उनके मामा होंगे, उनके भी बुआ होंगे, भाई कहीं बड़े ऐसा भी हो जाएगा वे ठीक ना हो, पर मैं गलत हूँ भाई, कहीं जहाँ गलत हो लिया भाई मेरे मेरे साथ कौन लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा, यह भी तो बात है ना, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे साथ समाज भी आओगा, लोग भी आओगे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उन बच्चों की खातिर आगे आना चाहिए, सब ने इकट्ठा होकर आना चाहिए ठीक है भाई। एक 2 महीने का लड़का है, मतलब वो क्या करेगा, वो FIR करेगा क्या करेगा, माँ के लिए तड़प रहा है, उसने पता कुछ नहीं है भाई, माँ के दूध की जरूरत हो रहा है। तो भाई इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा, और हमें क्या करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।